ऊपरी शिमला और आसपास के चर्चों में क्रिसमस का त्यौहार ईसाई समुदाय ने बड़े दिन के रूप में धूमधाम से मनाया। रामपुर के ग्रेट कमीशन प्रेयर फेलोशिप चर्च में सुबह से ही नाच गाने का दौर चलता रहा। इस दौरान प्रार्थना सभा के साथ विभिन्न रंगारंग प्रस्तुतियों से खूब मनोरंजन भी किया गया। कम कपात देने वाली ठंड के मध्य ऊपरी शिमला और आसपास के चर्चों में क्रिसमस का त्यौहार ईसाई समुदाय ने बड़े दिन के रूप में धूमधाम से मनाया। रामपुर के ग्रेट कमीशन प्रेयर फेलोशिप चर्च में सुबह से ही नाच गाने का दौर चलता रहा। इस दौरान प्रार्थना सभा के साथ विभिन्न रंगारंग प्रस्तुतियों से खूब मनोरंजन किया गया। साथ ही यीशु की महिमा से जुड़े गीत भी प्रस्तुत किए गए। दोपहर बाद ईसाई समुदाय के लोगों ने मिलकर क्रिसमस केक काटा और सबको क्रिसमस की बधाई दी। रामपुर निर्मल किन्नौर और आसपास के चर्चों से आए पास्टर ने यीशु मसीह के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उन्हें प्रभु यीशु में विश्वास रखते हुए आगे बढ़ने का संदेश दिया। इस दौरान रंगारंग प्रस्तुतियों के माध्यम से लोगों ने भी नृत्य कर खूब मनोरंजन किया। पास्टर कमलेश नेगी ने बताया कि ग्रेट कमीशन प्रेयर फेलोशिप चर्च ने हर्षोल्लास के साथ यीशु के जन्मदिन को मनाया। इस दिन को यादगार बनाने के लिए केक काटकर खूब खुशियां मनाई गई। इस दौरान यीशु की महिमा से जुड़ी विभिन्न प्रस्तुतियां भी की गई। और हमने आज क्रिसमस दिवस सबसे पहले हमने प्रार्थना किया, उसके बाद परमेश्वर को धन्यवाद किया, उसके बाद गीत भजन गा करके प्रभु यीशु मसीह को याद किया, सराहा। उसके हमने क्रिसमस से संबंधित हमने प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में जो से संबंधित जो है भजन गाया है। उसके बाद कलीसिया के जवान लोगों ने नाटक प्रस्तुत किया है और पाप बुराई से और नशे से दूर रहने के लिए उसका संदेश दिया है। और हमने जो केक काटा है और ये हमारे लिए आज बहुत ही खुशी की बात है। और इसलिए उस खुशी को मनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को दिवस को याद करने के लिए हमने बहुत बड़ा केक काट करके हमने परमेश्वर को धन्यवाद किया कि प्रभु यीशु मसीह में हम आनंदित है, खुश है और प्रभु ने हम सबको आशीष दिया है बड़े हर्षोल्लास के साथ।